गुरुवार को प्रयागराज के पावन संगम पर अखाड़ों के पूजनीय महामंडलेश्वर शंकराचार्यों साधु संतों एवं प्रशासन द्वारा विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन करके तीर्थराज प्रयाग की 3 दिवसीय पंचकोसी परिक्रमा शुरू हुई। संगम के तट पर पूजनीय साधु संतों और उच्चाधिकारियों द्वारा गंगा पूजन के बाद गंगा जी की आरती भी की गई। इस प्रकार पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ कुंभ मेले में हो गया। यह 3 दिवसीय पंचकोसी परिक्रमा 7 से 9 फरवरी तक चलेगी। पंचकोसी परिक्रमा के महत्व के बारे में संतों द्वारा बताया गया कि यह शुभ अवसर शुभ मास है। प्रयागराज में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जनमानस से आवाहन किया गया कि पंचकोसी परिक्रमा कर जीवन धन्य बनाए और सभी तीर्थों का पुण्य कमाए। सारे मीडिया वाले चलाए व्हाट्सएप बहिष्कार का अधिकार अखाड़ा प्रसिद्ध महामंत्री को होता है या अध्यक्ष को होता है। ऐसी एक गलत बात है, कभी भी अखाड़ा परिषद ने शाही स्नान का बहिष्कार नहीं किया, फिर भी आप लोगों ने कन्यू चलाई, ये गलत बात है। मैं पूरे जोर से खंडन करता हूँ कि शाही स्नान का बहिष्कार नहीं किया गया। आज की बैठक की बात है तो पूर्ण रूप से 2 घंटा बैठक चली, सारी व्यवस्था दी गई, जहाँ 4 तारीख को मोहनी जो समस्या थी वो दूर कर दी गई है। सारे अखाड़े अपने क्रम में नहाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। यदि कोई अखाड़ा, जैसे मान लो तीनों अनिया हैं, इनकी समस्या थी, यदि अपने समय से पहुंचते ठीक है, नहीं इनको रोका जाएगा। निर्मल के नहाने के बाद अंत इनको नहाया जाएगा, ये तय हो गया है। अब कोई विवाद नहीं है, सभी सहमति व्यक्त कर दिए हैं, सारे अखाड़े स्वतः प्रसन्न होकर जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, न कोई विवाद। इसकी पौराणिक मान्यता के बारे में यह भी उल्लेख है कि पूर्व भाग में पंचकोस पर दुर्वासा मुनि का आश्रम, ककरा गांव में पश्चिम दिशा में 5 कोस पर बरखंडी महादेव का मंदिर, दक्षिण में 5 कोस पर पड़ास मुनि का आश्रम, वर्तमान में पनासा गांव और अच्छेवट से 5 कोस उत्तर दिशा में मंडमलेश्वर यानी पंडिला महादेव का मंदिर है। यही पंचकोसी परिक्रमा की सीमा है। पंचकोसी परिक्रमा है, ये हम मेला प्रशासन में पूजनीय साधु संतों के सामने हैं, उनके आशीर्वाद से ये प्रारंभ किया जा रहा है। काफ़ी सालों बाद इसको हम लोग सामने प्रारंभ करें, कोशिश ये है कि जो प्रयाग है, प्रयाग के अंतर्गत और आसपास के क्षेत्र में जितने भी बहुत ख्याति प्राप्त मंदिर पर्यटक स्थल हैं, या तो विलुप्त हैं या उन पर्यटन सर्किट में ना होने की वजह से यहाँ पे जो करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, उनको जानकारी के अभाव के कारण वो छूट जाते हैं। उनके पुरातत्व महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, उसको हम विश्व पटल पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, ताकि वहाँ पर विकास हो, वहाँ पर पर्यटन क्षेत्र अवसर की बढ़ोतरी हो, वहाँ पर रोजगार का अवसर की बढ़ोतरी हो, और इन स्थलों के अहमियत को देखते हुए ये सभी जगह हमारे परिक्रमा रूट पर आ जाए। आज 3 दिन की परिक्रमा है, पूरे दिन की परिक्रमा है, इसके बाद हम लोगों से फीडबैक लेंगे और जो पर्यटकों के लिए सुविधा सुगमतापूर्वक सुविधापूर्वक होगा वो सर्किट हम विकसित करेंगे, जिसमें पूरे दिन का सर्किट होगा। ग्राम मथनिया में विकास खंड गुड़सराय में गांव में स्थित एक कुआं को आदर्श कुंप बनाने के लिए धनराशि स्वीकृत की गई, मगर प्रधान द्वारा कुएं के ऊपरी लीपा पोती करके कार्य को समाप्त कर दिया गया। ग्रामीणजनों के कथन अनुसार कुएं के अंदर ना तो कोई सफाई की गई और ना ही कुएं की छाप की गई, और विकास खंड के द्वारा जो धनराशि स्वीकृत की गई थी प्रधान द्वारा उसे हड़प लिया गया। प्रधान ने लेटर ने बनवा दी, हाँ, पैसा किसी को नहीं दिया। तो प्रधानों ने बनवाई, जब पैसा नहीं दिया तो आपने बनवाई कि प्रधान ने बनवाई? प्रधान ने कछु पैसा दे दे, हाँ, कछु सामान दे दो। क्या दिया सामान? सामान सीमेंट दई, हाँ, और मन से चलो तो पत्थर दई, हाँ, सीट दई, हाँ, और कुछ नहीं दिया। और कुछ नहीं दिया? तो जब प्रधान से कहा नहीं कि भाई और दो, हम आप तो वो कहना के अब आज पैसा तो दे दें, आज पैसा तो दे दें, पैसा पूरा निकाल लिया। कितना समय हो गया आपकी लैटरन को बना हुआ? तीन महीना हो गए करीब। आप क्या कहना चाहते हैं दादाजी? हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ना लैटरन तैयार है, लैटरन है तो टूटी फूटी पड़ी, और ना कोई सामान है, ना कुछ दिया है, ना कुछ मिला है। और ये कुआ का जो पिकण बता रहे हैं आप, ये अभी हमने देखा है, इसका क्या मामला है? इसका ये मामला है कि सरकारी संस्था से पास हुआ था वो ब्लॉक से। अच्छा, कितना पैसा इसका मंजूर? ये उसने हमें नहीं बताया कि तुम्हारे के लिए 50,000 है कि 1,00,000 है। हाँ। वो तो आया सो अपने गुम्मे यहाँ पे उड़े लिए, बालू उड़े ली, हाँ, अपनी लेबर लेके आया, काम किया, हाँ, और जितना काम हुआ ऊपरी काम हुआ, कुआ के अंदर कुछ नहीं किया। अच्छा, जो उसकी छाप पलस्तर होना थी, बीडीओ साहब कह गए थे कि ये आदर्श कूप बनेगा। अच्छा, तो आदर्श कूप इतने ही में उनने केवल ऊपरी टिपटाप करके और ना घाटन पे एंगल फेंगल ना कुछ नहीं,
अच्छा। और इसके बाद हमने उनकी शिकायत करी CDO साहब के पास झांसी, तो उसके बाद हमारे पास ब्लॉक से एक नोटिस आया, उसमें लिखा गया कि अभी इस समय पैसा नहीं है, पैसा आने पर आपका काम पूरा किया जाएगा। तो आज तक मेरे पास ना कोई पूछने आया, ना प्रधान, ना ADO, ना BDO, ना कोई। उसी स्थान पर हमारा कूप पड़ा है और हमारी लैट्रिन भी उसी स्थान पर पड़ी है अधूरी, जिसमें आज तक हम टट्टी नहीं जा पा रहे, न फाटक है न ऊपर छत है, कैसे जाएं क्या करें। कुएं के नाम पर लीपा पोती हो गई, जो आधा स्कूप था वो आधा स्कूप नहीं बना, नहीं बना। दिलचस्प बात यह है कि प्रधान द्वारा शौचालय के नाम पर 27 शौचालय का पेमेंट नहीं दिया गया और शौचालयों को पूर्ण ही नहीं किया गया। ग्रामीण जन परेशान है, उन्होंने सरकार से मांग की है कि यदि हमारी जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो इसका जवाब मोदी सरकार को 2019 में आने वाले लोकसभा चुनाव में देंगे। हमारे दोनों पंजा मिले हुए पूरे लैट्रिन की। कितना पैसा दिया है प्रधान ने अभी? एक रुपया नहीं। तुमने अपने पैसे से बनवाई? अपने पैसे से बनवा, उन्होंने चाय वो समझा फटा गया था सुबह ठाड़ी, बस बस। इसके बाद कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया है। जब तुमने प्रधान से कहा तो क्या कहते हैं? कत्ते दिया ने? कब दिए थे तुम्हें सीमेंट वगैरह बनवाने के लिए? 3 महीना भाई जान। 3 महीने से पैसा नहीं दे रहे? हाँ। कहीं शिकायत की है? हाँ। कहाँ की शिकायत? हमने कमिश्नर कहा कही, हमने DM कहा कही, हमने एक मुख्यमंत्री कहा, ST कही, हमने एक सीट को कही, हमने धरी है, तुम दिखा। कोई जवाब नहीं मिला? हाँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्राम मथनिया तहसील गरौठा के अंतर्गत आता है, जहाँ पे क्या नाम है तुम्हारा? संतोष। संतोष साहू। साहू पिताजी का? राजाराम। संतोष साहू पुत्र राजाराम का जो शौचालय बना हुआ है, इसमें इनका कहना है कि प्रधान द्वारा हमें मात्र 4 बोरी सीमेंट और फाटक दिया गया है, इसके बाद हमने अपने पैसे से इस शौचालय का निर्माण किया है, प्रधान आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रहा है, कहता है पैसा मिल जाएगा मगर पैसा हमें अभी तक नहीं मिला है। कई उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी ग्रामीण जन को पैसा नहीं मिला है, ये परेशान है। इनका कहना है कि प्रधान लापरवाही बरतते हैं, हमारी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व के कर्मचारी थोड़े से रुपयों के लालच में वन्य जीवों की सुरक्षा व जंगल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ के कर्मचारी टाइगर रिजर्व में आए बजट को ठिकाने लगाने के लिए ग्रामीणों को जंगल के अंदर जाकर लकड़ी कटवा रहे हैं। जनपद में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें घने जंगल के अंदर ग्रामीण टाइगर के घर में घुसकर साइकिलों पर लकड़ी ला रहे हैं। फिलहाल टाइगर रिजर्व के फिल्मी डायरेक्टर ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। जंगल के अंदर घुसकर बेधड़क लकड़ी ला रहे यह ग्रामीण जहां अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो ही टाइगर के घर में जाकर उसे भी परेशान कर रहे हैं। भैया कौन से रेंज से आप लकड़ी ला रहे हैं? दूरिया रेंज। नाम क्या आपका? हाँ, डोरी लाल। कहाँ रहते हो? हेरिंग मतलब गाँव पाए तो बजी रहते हो, तो किस एवज में आपको लकड़ियाँ मिलती हैं? काम करते हो तो लकड़ियाँ मिलती हैं। काम क्या करते हो वहाँ पे? रोड बना अंदर जंगल में। अच्छा, जो लकड़ी लाते उसके पैसे लिए जाते कुछ ना लेते? अच्छा, यानी काम के बदले लकड़ी मिलती है। अब कैसे हो सकता है कि आप तो किसी के घर में जाएं लेकिन जब वो आपके घर में आए तो आप चीखें। दरअसल पिछले कई दिनों से टाइगर रिहायशी इलाकों में आकर इंसानों व मवेशियों पर हमला कर रहे हैं। शायद वजह आप समझ गए होंगे कि टाइगर ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल हम ही उसके घर में घुसकर उसके घर को खत्म कर रहे हैं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें बयां कर रही है। दरअसल यह वीडियो वायरल हो रही है जो देवरिया रेंज की बताई जा रही है। आपको बता दें कि शासन जंगल के रखरखाव के लिए एक बड़ा बजट देता है। इस बजट से बरसात के दिनों में जंगल के अंदर बने कच्चे रोड जो खराब हो जाते हैं, वन विभाग सरकार से मिले धन से मजदूर लगाकर ठीक कराता है, साथ ही साथ जंगल की सफाई भी कराने का जिम्मा वन कर्मचारियों का है। वन कर्मचारी ग्रामीणों से जंगल में काम तो करा लेते हैं लेकिन रुपए के बदले में जंगल से लकड़ी काटने की इजाजत दे देते हैं और खुद आए धन को ठिकाने लगा देते हैं। जंगल वाले करवा रहे हैं काम करके लाए?
अरे काम करते हो तो लकड़ियाँ मिलती हैं आपको? हाँ। कितने घंटा काम करते हो आप? ढाई घंटा। नाम कहाँ है आपको? राजेश। कहाँ रहते हो? पैंतभोजी। अच्छा, कितने घंटा काम करने के बाद लकड़ियाँ इतनी मिलती हैं? दो घंटा काम करते हो, लकड़ियाँ इतनी लाते हो, पैसा भी तो देना पड़ता है। काम करवाओ तो। अच्छा, काम करवाए के बदले में आपको लकड़ी मिलती है? काम के बदले लकड़ी दी जा रही है। वो वीडियो मैंने भी अभी देखा है, वो एक्चुअली जंगल के किनारे काफ़ी ग्रामीण लोग भी चले जाते हैं अपना साइकिल वगैरह लेकर, और समय समय पर कार्रवाई भी करी जाती है लोगों पर, न केवल इसलिए कि लकड़ियाँ मिल रहे हैं, दूसरा इसलिए भी कि जंगल के अंदर खतरनाक जानवर होते हैं, इस प्रकार से जाना उचित नहीं है। और वीडियो मैंने देखा है, उसका संज्ञान ले रहा हूँ, उसमें यदि किसी स्टाफ की भी मिली भगत होगी तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, वैसे अभी उसकी जांच करा रहा हूँ। ऑटो चालक ने दो युवकों पर रोड से किया हमला, गांव का नाम बताते ही हो गई पिटाई। गांव का नाम ऐसा बताते ही कि ऑटो चालक को आ गया गुस्सा। ऑटो चालक ने रेलवे चेक पर दोनों का ही कर दी धुनाई। ऑटो चालक का आरोप, दोनों ने पी हुई थी शराब। जी हाँ, शहर के रेलवे चौक पर एक ऑटो चालक को अपने गांव का नाम बताना दो युवकों को भारी पड़ गया। नाम भी ऐसा था कि ऑटो चालक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसके बाद वहां खड़े लोगों ने सुना तो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आपस में गांव का नाम था जोड़ा, तो उस बदले वो गलत समझ के राड मारी थी। तो किसको चोट आई? मेरे भाई को। क्या पुलिस मौके पहुंची? हाँ, करवा दिया सारा कुछ। बाद में सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। सिटी पुलिस ने ऑटो चालक को हिरासत में ले लिया है। ऑटो चालक का आरोप है कि दोनों ने शराब पी हुई थी। ये मामला था जगदीप और सुनील, जगदीप जींद का है, सुनील हिसार का है। ये दोनों किसी दूध की फैक्ट्री में धारोड़ा काम करते है, और सुबह जैसे करीब 1-1.5 बजे जी ये अपने वहाँ जा रहे थे, इन्होंने थोड़ी दारू पी रखी है, और थ्री व्हीलर वाले से कोई हाथ नहीं होगी, थ्री व्हीलर वाले ने अपना एक छोटा सा डंडा सा रखा था लोहे का, वो गणेश के सिर में मारे, और जो जगदीप को जो है चोट आ गई, और थ्री व्हीलर चालक जो है बलीराम कनक धन सिंह यादव नगर रेवाड़ी को और थ्री व्हीलर को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस पार्टी का नई दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का एक दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें देश भर से आए पार्टी के राष्ट्रीय व प्रदेश के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 16 विधानसभा से वरिष्ठ समाजसेवी नेता व समाजसेवी हाजी अकबर अली लंबरदार भी अपने साथ कई कार्यकर्ताओं को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली निवास पर पहुंचे। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से कांग्रेस पार्टी के जयकारे लगाए और वहां से सभी कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। इस मौके पर सोना से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हाजी अकबर अली लंबरदार ने कहा कि आज सारे देश में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में देश में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। हरियाणा किसान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का एक दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें देश भर से काफ़ी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान के तहत होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी उपस्थित हुए। उनके साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आज़ाद, पार्टी के राज्यसभा सांसद अहमद पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आदि मौजूद रहे। आज सारे देश में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, आने वाले लोकसभा चुनाव में देश में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। हमारी पार्टी की महासचिव बनी श्रीमती प्रियंका गांधी के पार्टी में आ जाने से आज सारे देश में पार्टी का जबरदस्त माहौल बन गया है।
और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमतों से विजयी होगी। जय हिंद, जय भारत।